हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका एक छोटा सा सेशन है जो कि है वन रिपोर्ट पे। वन रिपोर्ट हर वर्ष दो मतलब हर बार मतलब दो वर्षों में एक बार प्रस्तुत की जाती है। तो 2019 में आई थी, उसके बाद में 2021 की वन रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे कि किस राज्य में कितना वन है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, या कितना क्षेत्रफल वन का होना चाहिए और कितने क्षेत्रफल पर वन भारत में है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फिर वन रिपोर्ट 2021। अभी मैंने बताया कि वन रिपोर्ट 2021 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसके पहले वन रिपोर्ट आई थी 2019 में। तो आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि हर दो वर्षों में, यानी कि हर दो वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। कितने? तो हर दो वर्षों में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसके बारे में जान लें कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम, एक चीज आपको इससे ये पता चला कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1980 में, अक्टूबर 2021 में। कब? तो अक्टूबर 2021 में भारत में वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, कब? तो अक्टूबर 2021 में एक संशोधन भी इसमें हुआ था, अधिनियम 1980 में। अब बात करते हैं किसकी, तो भारत वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवर्षीय रूप में भारतीय द्विवर्षीय, अभी मैंने बताया कि दो वर्षों में प्रस्तुत की जाती है, तो द्विवर्षीय भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ष 1987 में अगर देखा जाए तो 1987 में, वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। तो आपका एक क्वेश्चन और बन के निकलता है क्या कि वन रिपोर्ट सबसे पहले कब प्रकाशित की गई। तो वन रिपोर्ट 1987 यानी 1987 में, वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां। तो दूसरा आपका बन के निकलता है कि 2021 की रिपोर्ट कौन सी नंबर की रिपोर्ट है, तो 17वां प्रकाशन है, यानी 17वीं रिपोर्ट है ये। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ, वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन और निर्माण में किया जाता है। वनों की तीन श्रेणियों में सर्वेक्षण किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि वनों को कितने कितने श्रेणियों में सर्वेक्षण किया जाता है, तो ये तीन श्रेणियों में इसका सर्वेक्षण बेटा किया जाता है, जिनमें शामिल है अत्यधिक सघन वन 70% से अधिक, और मध्यम सघन वन, और फिर कौन सा हो जाएगा, खुले वन। ये तीन है, खुले वन, अत्यधिक सघन और मध्यम सघन वन, ये आपके तीन हो जाएंगे। बात करें अगर वृद्धि की, तो पिछले दो वर्षों में, यानी कि दो वर्षों की बात क्या है, तो 2019 बेटा 2019 से लेकर 2021 तक, यानी पिछले दो वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर में अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। अगर देखा जाए तो कितना, तो 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन वृक्ष, यानी वृद्धि कितना, 1540। भारत का वन क्षेत्र अब 7,00,000, ध्यान से देखिएगा, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का वन क्षेत्र कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 कितना, 21.71% है, 21.71% पर संपूर्ण, और संपूर्ण क्षेत्रफल का होना कितना चाहिए, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का बेटा, संपूर्ण क्षेत्रफल का 33% होना अनिवार्य माना गया है, कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 33% वन होना अनिवार्य माना गया है, लेकिन है कितना, तो 21.71% है। ठीक है, 19 में 21.67% था। अगर पूछा जाए कि 2019 में कितना था, तो 19 में 21.67 यानी 67% था, अब 21.71 है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना, 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। आपके इससे बहुत सारे, वनों में वृद्धि की कमी, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना, वनों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना 3.7%, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर 2.22% और उड़ीसा में 1.4% है। वनावरण में सबसे अधिक कमी, जिन राज्यों में कमी आई है, तो 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है।
उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर ओडिशा और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पांच राज्य भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि जितना उस राज्य का क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत कितने, सबसे ज्यादा प्रतिशत में क्षेत्रफल वन कहाँ है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में सबसे ज्यादा है उनके क्षेत्रफल के अनुसार। अगर बात करें, दो तीन बातें और रह गई ध्यान से, कि ये 17वीं रिपोर्ट थी और 33% वन चाहिए, क्षेत्रफल का 33% वन होना अनिवार्य है। भारत के केंद्र शासित और राज्य मिलाकर 17 ऐसे राज्य है बेटा, 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर वन क्षेत्र 33% से ज्यादा है, 33% से ज्यादा है। तो ये रही आज के 2021 वन रिपोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपके लिए जनरल जानकारी के लिए भी जरूरी है और पेपर के पॉइंट आप व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से सभी लोग, वीडियो कैसा लगा, ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही चीजों के लिए आप जुड़ना ना भूले एग्जामपुर यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।